भारत सरकार ब्यौरा मांग सकती है और हम लोग देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई हमको 2500 रुपये देने से आपने रोका, हमने भारत सरकार के अधिकारियों से मंत्रियों को हमने समझाने की कोशिश की, हमारे जो भौगोलिक और जो मौसम की जो परिस्थिति है, तो छत्तीसगढ़ में हम धान के अलावा कोई दूसरा फसल बरसात में ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पर दो प्रकार के मानसून यहाँ आते हैं, बंगाल की खाड़ी के मानसून भी है और हमारे जो मुंबई से जो मानसून होकर आता है वो मानसून भी हमारे यहाँ आता है। तो इस प्रकार से हम बरसात में कोई फसल नहीं ले सकते, पानी खूब बरसता है, हमारे यहाँ नदी नाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिंचाई क्षमता क्या है इसके बारे में चौबे जी आपको बता के जा चुके हैं, तो सिंचाई है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे किसान एक फसल ले पाते हैं और एक फसल में भी एक पानी भी कमी हो गई तो फिर फसल चौपट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसानों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने कहा 2500 रुपये देंगे, उसको मना कर दिया गया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उड़ीसा में कालिया योजना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायतु कार्यक्रम चल रहा है, भारत सरकार खुद ही 2 एकड़ से कम जमीन वालों को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया दे रहे हैं। तो जब वो केंद्र सरकार खुद ही दे रही है 6000 रुपया, तो फिर हम अपने किसानों को यदि दे रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं, हम जवाब दे देंगे।